YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इंडिया की जो सबसे बेस्ट ब्लू चिप कंपनी है उसको खोज सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन सी ब्लू चिप कंपनी सबसे बेस्ट है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके लिए यूज करना है आपको टिकर टेप का वेबसाइट। काफी बेहतरीन वेबसाइट है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जहां से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और यहां पर देखिए, जैसे आप आते हैं तो इस कॉर्नर में मिलेगा स्कैनर, स्कैनर पे आना है, क्लिक करना है। मतलब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो स्कैनर पर आएंगे। स्कैनर पर आने के बाद यहां पर हमने जो सबसे पहले क्राइटेरिया यहां पर सेलेक्ट किया है उसको जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप स्टॉक इन्वर्स में आएंगे। देखिए निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 मात्र 50 कंपनी से मेरा काम नहीं चलेगा, तो निफ्टी 100 को मैंने सेलेक्ट किया है। आप यहाँ निफ्टी स्मॉल कैप 100 सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी 500 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर निफ्टी 100 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर आया नीचे। इसका जो पी है वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए, मतलब जो प्राइस है अर्निंग का रेशियो है, मतलब जो कंपनी का प्राइस है और अर्निंग का रेशियो, मतलब कुछ ना कुछ अर्निंग कंपनी कर रही है, तो वो रेशियो निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जीरो से चलेगा। उसके बाद नीचे आए, हमने डेट टू इक्विटी यहाँ पर लगा दिया, तो डेट टू इक्विटी भी लगा दिया, तो डेट टू इक्विटी दो पैरामीटर लगाया मात्र, जो कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी ये हमारा जीरो से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है आपको सारी जो टॉप कंपनियां ब्लू चिप कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट कैप में सबसे नंबर वन कंपनी है, वो आ गई आपको सबसे ऊपर, 17,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और फिर उसके बाद TCS हो गया, उसके बाद HDFC बैंक हो गया, इंफोसिस हो गया, ICICI बैंक हो गया, उसके बाद अगला आ गया हिंदुस्तानी लीवर, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस। तो देखिए आप कैसे बहुत सारे स्टॉक्स खोजते रहे होंगे कि कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर है हमारे देश में, हम इंडिया में रहते हुए उसमें अगले 10 से 20 सालों के इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ये सारे स्टॉक्स हैं। इसमें से अगर आप 10 स्टॉक को पिक करते हैं तो निश्चित है कि 10 में से जो 8 कंपनियां हैं वो अगले 20 साल तक निश्चित रूप से बिजनेस करेगी, क्योंकि अपने सेक्टर में वेल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं। फिर नीचे आते हैं बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, विप्रो, SL टेक्नोलॉजी, एवेन्यू सुपरमार्ट, एशियन पेंट, ITC, बजाज फिनसर्व, लार्सन ट्रूबो, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी। और यहाँ पर जब आप इधर करेंगे तो इसका सेक्टर भी आपको मिल जाएगा, FMCG और टोबैको दोनों में, ITCT पेंट में एशियन पेंट हो गया, प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लार्सन ट्रूबो हो गया। उसी तरह से नीचे आते हैं तो टाइटन, देखिए प्रीसियस मेटल्स ज्वेलरी हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट्स हो गया, अदानी ट्रांसमिशन पावर इंफ्रा से हो गया, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC जो कि ऑयल गैस में है, सन फार्मास्यूटिकल, अदानी ग्रीन एनर्जी, नेस्ले इंडिया, उसके बाद यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस, JSW स्टील, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, NTPC, डिविज लेबोरेटरीज। देखिए ये सारे स्टॉक्स जो है काफी बेहतरीन है, तो बस इसी स्टॉक का यहाँ पर जो लिस्ट है, देखिए 40 स्टॉक आया है, बस आप यहाँ पर PE मात्र जीरो कर देंगे निफ्टी 100 में, तो निफ्टी 100 की ये 40 कंपनीज आपको आ जाएंगे। इस 40 कंपनी में आप कभी भी गिरावट में इन्वेस्ट कीजिए, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा और अगले 5 से 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे चैनल को फॉलो करते हैं लेकिन इस सिंपल ट्रिक से आप खुद से अच्छे स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग फिल्टर मिल जाते हैं, आप इस फिल्टर पर जाएंगे, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी के अनुसार आप फिल्टर कर सकते हैं इसमें से, फिर प्राइस वॉल्यूम के अनुसार कर सकते हैं, फाइनेंशियल रेशियो के अनुसार कर सकते हैं जिसका डेट टू इक्विटी काफ़ी कम हो, यहाँ पर जैसे यह डेट टू इक्विटी जो है हम इसमें 1 से कम कर देंगे तो ये सारे स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे जिसका डेट टू इक्विटी 1 से कम होगा। तो यहाँ पर देखिए हम डेट टू इक्विटी 1 लगा देते हैं तो यहाँ पर मात्र कुछ ही स्टॉक्स आएंगे जिसका डेट टू इक्विटी 1 से कम है। अब देखिए यहाँ पर कितने स्टॉक्स आए, 40 में से मात्र 13 स्टॉक्स आए, ये 13 स्टॉक्स है जिसका जो कि निफ्टी 100 में है और साथ साथ डेट टू इक्विटी 1 से कम है। अब देखिए इसमें फाइनेंस सेक्टर के जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, तो फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में आपको डेट तो देखने मिलेगा ही, क्योंकि वो उसका काम ही है एक तरफ से डेट लेना, दूसरी तरफ लोन देना, बीच का इंटरेस्ट अर्न करना, तो वैसे स्टॉक भी आपको इसमें रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर मैनुअली देखना है यहाँ पर जो डेट टू इक्विटी लगाए हुए हैं किसका डेट टू इक्विटी 1 से कम है, उस स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से और सारे फिल्टर आपको लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे ग्रोथ का फिल्टर लगाना है तो 5 ईयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ आप लगा सकते हैं। अब रेवेन्यू ग्रोथ आपको कितना लेना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हमारा
वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, 5% से ज्यादा होना चाहिए, 20% से ज्यादा होना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ, उस फिल्टर को भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस तरह से आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स को यहाँ से चूज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप रोज रोज बहुत सारे चैनल को जैसे तैसे देखते होंगे और बोर हो जाते होंगे, लेकिन एक सिंपल ट्रिक से आप खुद का एनालिसिस करते हैं और खुद का स्टॉक जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट काफी बेहतर हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा वेल्थ अपना जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।